I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. So guys, आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं LG की 6.5 kg की टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। हाँ, तो चलिए पहले इसके रिबन को काटते हैं। तो एक कट चुका है, चलिए इसको भी काटते हैं और देखते हैं मशीन अंदर कैसी निकलती है। तो जल्दी से करते हैं इसकी फटाफट अनबॉक्सिंग, इसको जल्दी कट करते हैं और देखते हैं। अब इसको बीच से काटते हैं, लाइक दिस के काटते हैं। तो बॉक्स को कट करने के बाद हम जरा बॉक्स को ओपन करते हैं। इसको ऐसे ओपन किया जाएगा और हम इसको जरा ऐसे ओपन करते हैं और बॉक्स के ऊपर हमें थर्माकोल का एक सेफ्टी के लिए रखा हुआ देखने मिलता है। तो ज़रा इसको हम हटाते हैं और इसको हटाने के बाद हमें मशीन के अंदर ये कवर देखने को मिलता है। तो हम इस कवर को निकाल लेते हैं और देखते हैं मशीन का लुक कैसा होता है। बॉक्स के साथ जो कवर दिया गया था, इस कवर को रिमूव करने के बाद देखते हैं तो मशीन का फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा और ऑसम दिख रहा है। वाह यार, काफ़ी अमेजिंग लग रही है। और बॉक्स को ओपन करने के लिए हमें बॉक्स को इसको ऊपर की तरफ उठाना है क्योंकि ये नीचे की तरफ उठता नहीं है ताकि मशीन डैमेज ना हो। इसलिए ये आप ध्यान रखें कि बॉक्स हमेशा ऊपर की तरफ ही उठाएँ। और वाह, ये देखिए अब हमारी मशीन ओपन हो चुकी है और काफ़ी अच्छी कलर की दिख रही है। मैंने इसको रेड कलर के लिए मंगाया था। रेड कलर काफ़ी प्रीमियम फिनिश दे रहा है और इसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेट 21,000 पड़ी थी और इसका ओवरऑल लुक भी काफ़ी अच्छा है। और जो पीछे मशीन की बात करें तो मशीन के पीछे दिया गया मेटल के कवर और ये जो प्लग है इसको हम पीछे ऐसे खोंच सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि प्लग बोर्ड से आप हटा देंगे तो उसको लगा सकते हैं। और ये गैस एक जाली दी गई है, इससे पानी आपका अंदर जाएगा। सो मशीन के अंदर हमें ये पैकेट देखने को मिलता है। इस पैकेट के अंदर कुछ पाइप्स और कुछ यूज़र मैनुअल रखे हुए हैं। तो चलिए पहले इनको देख लेते हैं ओपन करके और फिर देखते हैं मशीन का अंदर का लुक कैसा है। तो ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं इसमें हमें डिटर्जेंट रखना होता है, तो इसको बाहर निकाल सकते हैं। और निकालने के लिए हमें ऊपर से ये जो बटन दिख रही है ये दबानी होगी और निकल जाएगा बाहर। और इस साइड में जेट स्ट्रीम का फंक्शन दिया गया है, ये काफ़ी अच्छा और प्रीमियम टाइप का फंक्शन है। ये नया LG की तरफ से लॉन्च हुआ है। जो LG का ड्रम है ये टर्बो ड्रम टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है और जो नीचे डिस्पेंसर लगे हुए हैं ये काफ़ी अच्छी तरीके से घूमते हैं, तो मशीन में जो कपड़े आप डाल लेंगे वो आराम से धुल जाएंगे। और जब हम ये पावर बटन दबाएंगे तो मशीन ऑन हो जाएगी। उसके बाद हमें स्टार्ट बटन दबाना है ताकि मशीन हमारी चलने लगेगी। मशीन सेंस करके ऑटोमेटिक फंक्शन ले लेगी और ये जो प्रोग्राम दिए गए इनसे हम प्रोग्राम को सेट भी कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम की बात करें तो टब क्लीन मिलता है इसमें, जेंटल मिलता है साड़ी और कपड़े धुलने के लिए, एक्वा रिजर्व है यानी कि पानी ज़्यादा यूज़ ना करें, नॉर्मल फंक्शन भी मिलता है जिससे हम उस कपड़ों को नॉर्मल से धो सकते हैं। अगर आपको तुरंत कपड़े धुलने हैं तो इसके लिए क्विक वॉश फीचर भी मिलता है। अगर आपको जींस वींस धुलनी है तो एक स्ट्रॉन्ग बटन भी दिया गया है और बाकी नॉर्मल वॉश है और टर्बो वॉश दिया गया है। इसमें ये जो स्पिन का बटन दिया गया है इससे कपड़े सुखाने के लिए स्पिन यूज होता है। अगर आपको हल्के सुखाने तो लो पे आप यूज कर सकते हैं, मीडियम भी मिलता है इसमें, हाई भी मिलता है। और रिंस बटन जो बगल में दी गई इससे कपड़े खंगालने के लिए होता है। अगर आप 1, 2, 3, 4 अपने आप सेट कर सकते हैं, अगर 1 पे करेंगे तो आपको एक बार खंगालेगी, 2 पे तो 2 बार, 3 पे 3 बार, 4 पे 4 बार खंगालेगी। ऐसे ही ये वॉश का बटन है यानी कि आपको कपड़े कितने बार धुलेगी मशीन। और इधर वाटर लेवल आपको देखने को मिलता है 1 से लेकर 10 तक। और यहाँ पर बीपर है, ये इसका यूज जो मशीन साउंड करेगी वो लो पे करेगी या हाई पे कर सकते हैं आप इसको, या फिर आप इसको ऑफ कर सकते हैं। और ये सॉइल लेवल है, ये लाइट सॉइल और नॉर्मल सॉइल यानी कि जब आपके कपड़े ज़्यादा गंदे हैं तो जेट स्ट्रीम से ज़्यादा तेज़ पानी आएगा तो आप हैवी पे ले सकते हैं, अगर हल्के गंदे हैं तो नॉर्मल पे, अगर बहुत ही कम गंदे हैं तो लाइट पे रख सकते हैं ताकि पानी कम वेस्ट हो। तो यही सब फंक्शन है। और मशीन के अंदर हमें ये ब्लू कलर का एक फिल्टर देखने को मिलता है यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होगा वो इसमें फंस जाएगा, तो इसको हम निकाल के साफ़ भी कर सकते हैं। I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find.
और यहाँ पे हमें मशीन के ग्लास के ऊपर कुछ इसकी वार्निंग देखने को मिलती है, जैसे कि इसमें हमें वाटरप्रूफ क्लॉथ्स नहीं धुलने हैं और कपड़े धुलने से पहले इनके सारे जेब खाली करनी पड़ेंगी ताकि कोई भी पिन वगैरह ना जा पाए, और जो पीछे जाली दी गई है अगर वो जाम है तो पानी इसमें नहीं जाएगा, वो उसका भी ध्यान रखना है। तो ये वार्निंग दी गई, ये जो पीछे जाली दी गई ये जाम ना हो, तो इसकी सफाई का काफ़ी खास ध्यान रखना पड़ता है। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो है 6.5 kg की मशीन है, और ज़रा इसके जो अंदर पैकेट मिला है इसको खोल के देखते हैं और देखते हैं इसका अंदर क्या क्या मिलता है और इसको कैसे क्या सेट करना पड़ता है। तो चलिए इसको खोलते हैं। सो ये हमें पाइप देखने को मिलता है, ये लगभग 1 meter का लंबा पाइप है। इसमें ये जो पाइप देखने को मिला इसका ये सिरा जो है ये हमें उस पर लगाना होता है टैप में, और ये निकल भी जाता है, और ये जो स्क्रू दिए गए हैं इससे इसको कस देना होता है, और इसका दूसरा वाला सिरा जो है ये हमें मशीन से लगाना होता है। और पैकेट के अंदर हमें एक ये एरियल की तरफ से एरियल मैटिक पाउडर मिलता है, काफ़ी अच्छी बात है। और ये जो पाइप देखने को मिल रहा है ये पाइप हमें पानी के सप्लाई को बाहर निकालने के लिए, जो कि हम मशीन के पीछे लगाएंगे इसको, तो इसको मशीन के पीछे ऐसे अटैच कर देंगे ताकि जो मशीन कपड़े धुलने के बाद जो वेस्ट पानी है वो आराम से बाहर निकाल सके, और इसके दूसरे एंड सिरे को ऐसे छोड़ देंगे ताकि पानी अपने आप बाहर निकल जाए। और मशीन के पैकेट में ये हमें एक जाली टाइप की देखने को मिलती है, इसका तो कोई खास यूज़ नहीं लग रहा है तो इसको हटा देते हैं और अंदर का पेपर वर्क देखते हैं। सो पेपर वर्क में हमें ये मशीन के क्विक यूज़र मैनुअल मिलती है, तो इसको हटा देते हैं। और ये मशीन के प्रोडक्ट डिटेल्स के बारे में जानकारी दी गई है, और ये देखने को मिलती है क्विक स्टार्ट गाइड, इसमें कॉमन एरर दिए गए हैं जो हमारे मशीन पे अगर एरर आएंगे तो दिखाई पड़ेंगे। बाकी यही था। और जो इसका डोर है ये हाइड्रोलिक डोर है, यानी कि इसको छोड़ने के बाद ये अपने आप बंद हो जाता है। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। इसी के साथ टेपी प्लस साइनिंग ऑफ।